हुजूर से दुआ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई को बुराई से दूर नहीं कर फरमाता, अल्लाह ताला बुराई को बुराई से दूर नहीं फरमाता बल्कि वो अच्छाई और नेकी से बुराई को दूर करता है। और मेरे आका मौला ने फरमाया आलूदगी को आलूदगी से पाक नहीं किया जा सकता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमने कुछ ऐसा फैसला सुना, कुछ ऐसी तहरीर सुनी जिसको सुनने की सकत कम अज कम एक मुसलमान के कान में उसका बार नहीं उठा सकते, वो जी की मस्जिद गिरा दो, वानल मसाजदा लिल्लाह, बस ये कुरान की नसह कती है, ये मस्जिद अल्लाह के लिए है। और वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजद अल्लाह अन युज़कर वसआ फी ख़राबिहा, अल्लाह अकबर, ये कुरान की नसह कती है। लेकिन बात यह है कि हुज़ूर ने फरमाया बुराई को बुराई से दूर नहीं किया जा सकता, वो इस तरह कि अगर किसी ने कोई गलती कर ली कि वो ऐसी जगह पर मस्जिद बना दी तो जो साहिब इख्तियार और इक्तदार बैठे हैं क्या उन्होंने भी गलती करनी है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद जनाबे हज़रत सैयदना फारूक आजम के दौरे खिलाफत में आपकी रियाया में एक शख्स को ख्वाब आया, कहत का जमाना चल रहा है, जोरों पर कहत है, मुकम्मल रियासत मदीना में कहत है, रियासत मदीना में कहत चल रहा है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी जमाना गुजर चुका, हज़रत सिद्दीक अकबर का भी ज़ाहिरी जमाना, हज़रत उमर का दौर है खिलाफत है, कहत का जमाना है। और एक हज़रत उमर की राया में से एक शख्स को हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, ख्वाब में तशरीफ ला के हज़रत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया, फरमाया बारिश हो जाएगी लेकिन उमर से कहो दनाई इख्तियार करे, बारिश हो जाएगी लेकिन उमर से कहो दानाई इख्तियार करे। अल्लाह अकबर, यह सिर्फ हजरत जनाब उमर के लिए पैगाम नहीं है, यह हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो किसी भी रियाया का हाकिम बन जाए या बना दिया जाए, कयामत तक यह उसके लिए पैमाना है कि दानाई इख्तियार करे। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप इतने बड़े मनसब पे बैठे हैं, अगरचे निजाम में खराबियां मौजूद हैं लेकिन मुसलमानों की रियासत है, उसके चीफ जस्टिस है, काज़ी कुदात का ओहदा है, उसके ऊपर एक बैठकर शख्स ये अल्फाज बोले के गिरा दिया जाए, कैसे हम बर्दाश्त कर पाए। उसको मालूम ही नहीं कि अगर तुम्हारे ये अल्फाज कबूल कर दिए जाए फिर बाबरी व मस्जिद को शहीद करने वालों को क्या कसूर है। मस्जिद बन गई, तुम्हें पता नहीं है तुम किस माशरे में जीते हो, तुम कौन सी मखलूक हो कि जिसे ये अल्फाज के बाद का मालूम नहीं कि तुमने कहा गिरा दिया जाए, कैसे गिरा दिया जाए। अगर तुम्हें जमीन चाहिए, इस उम्मत इस कौम में अभी दम खान मौजूद है, ये अपने घर गिराकर तुम्हें ग्राउंड बनाकर दे देंगे, तुम्हें ग्राउंड चाहिए तो हमें जमीन चाहिए इसके तबादल में, तुम्हें मिल सकती है, तुम ये कैसे कह सकते हो इतने बड़े अहदे पर बैठकर कि अल्लाह के घर को गिरा दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कौन मुसलमान बर्दाश्त करेगा। फिर तुम कहते हो कि क्या बातें, तुम्हें एहसास नहीं है किस ओहदे पर बैठकर तुमने कितनी बड़ी बात की है कि अल्लाह के घर को गिरा दिया जाए। तुम्हें पता है इसके वजन, इसके अल्फाज के वजन को क्या तुम उठा सकते हो, तुम्हारे कंधे पूरी रियासत उठा सकती है, जो तुम्हारे दान भाई या तमाशे करते हैं ये उठा सकते हैं, कोई भी नहीं उठा सकता। बाबा जी ने फरमाया था कल टूटिया तक नहीं रहनी, कल बात चढ़ी, और ये 70 लाख दे के 50 लाख दे के जिस इमरान खान के घर को रेगुलाइज किया था, हत्ता के उधर रास्ता गा रहे की चाहिए, कानू खून चाहिए, जाना चाहिए, बच्चे चाहिए, माल चाहिए, जमीन चाहिए, तबादले कितने चाहिए दुनिया में, असी तुहानू देने आ, रास्ता गा के गिराने वास्ते रह गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिसकी जमीन हो किसी ने गलती कर दी हो, मेरे आका ने फरमाया बुराई को बुराई ना नहीं खत्म किया जा सकता। असि मान लिया अगर एक लफ्ज किया जाना जी कब्जे, असि यह भी मान ली गलती हो गई किसी को,
क्या बुराई को बुराई नाल खत्म किया जाएगा, बल्कि नेकी और अच्छाई नाल खत्म किया जाएगा। और आलूकी नु आलूकी कदी पाप नहीं कर सकती, है मेरे आका का फरमान है। ते तुसी इतने बड़े होके ते बैठ कर एक गल करो कि जनाब गिरा दिता जाए, कदी नहीं कर सकती। तुहानू हकीकत बात है कि कौम दियां नजरां तो गिर चुके हो, किधरे दिल तो ना गिर जाना। तुसी इन्हां अहुदियां नू समझो जिथे तुहानू बिठा दिता गया। सुबह शाम रियासत मदीना, रियासत मदीना एस्टैब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, रियासत मदीना की अशराफियत ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट कहो जी, तुम दसीए।